हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एमके ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज बेसिकली गाइस हमारे पास एक एक्शन कैमरा है SS6 लीजेंड, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो आज इसी कैमरे का मैं गाइस ऑनेस्ट और क्या जेन्युइन रिव्यू करूंगा इसका कैमरे का, कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। ये पड़ा था मेरे को 9,499, जो कि बिग बिलियन डेज में पड़ा था, और ऐसा इसका नॉर्मल प्राइस आई थिंक 10,000 रहता है। तो बेसिकली गाइस, इसी कैमरे के बारे में बात करूंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जो भी लोग जो कि मतलब स्टार्ट कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल या फिर मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक्शन कैमरा कैसा है, क्योंकि हर कोई तो गोप्रो अफोर्ड कर नहीं सकता। सो बने रहिए वीडियो में, मैं आपको कुछ पॉइंटें बताऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ये एक्शन कैमरा कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पैकेजिंग एक बार दिखा देता हूँ गाइस। तो ऐसा कुछ पैकेजिंग में आता है, मतलब ये पूरा डब्बा हो गया। अगर आपको देखना है कि उसमें मतलब क्या क्या कौन कौन सा माउंट मिलता है, तो ऑलरेडी मैंने इसका अनबॉक्सिंग कर रखा है अपने चैनल पे, आप लोग जाके उस वीडियो को कंसिडर जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपनी क्या क्या अपने पैकेजिंग पे लिखती है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंपनी लिख रही है 30 मीटर डीप, मतलब वाटर रेजिस्टेंस, मतलब कि वाटर प्रूफ है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कैमरा वाटर प्रूफ नहीं है, एक केज, बेसिकली एक कंपनी एक केज प्रोवाइड करती है, अगर आप इसमें रखेंगे तब जाके ये वाटर प्रूफ हो सकता है, वरना ऐसे ये वाटर प्रूफ नहीं है। और सेकेंड अगर बात करें तो इसमें लिख रखा है कंपनी ने 2 स्क्रीन फ्रंट एंड बैक। तो बेसिकली ये फ्रंट स्क्रीन हो गया और ये बैक स्क्रीन हो गया, जो कि कंपनी आपको बताती है। तो बेसिकली ये स्क्रीन का काम ये है कि मतलब आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड टाइमिंग बताइए आपको, जो कि हेल्प करेगा मतलब आपको देखने में कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। और ये थर्ड में लिखा है जाइलो स्टेबलाइजेशन के बारे में। तो बेसिकली ये कैमरा का सबसे बेस्ट फीचर्स जो कि मेरे को लगा, क्योंकि और भी एक्शन कैमरा मैंने यूज कर रखा है SA4000, और मतलब और भी बाकी क्या दूसरे कंपनी का भी एक्शन कैमरा। तो बेसिकली जाइलो स्टेबलाइजेशन का काम एक रहता है गाइस, कि मतलब जब आप वीडियो शूट करेंगे तो वीडियो आपको ज्यादा शेक नहीं करेगा, बबल नहीं करेगा, वो स्टेबल रखेगा आपके वीडियो को। तो सबसे बेस्ट मेरे को फीचर से लगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे में देख रहा था 4K रिकॉर्डिंग एट 27 फ्रेम पर सेकेंड। तो इसका मतलब कि मतलब आप 4K में भी शूट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गाइस कि मतलब कंपनी ने मतलब अपना पैकेजिंग पे क्लेम कर रखा है, और ये सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। और अगर मैं पर्सनली बात करूं कि मेरे को वीडियो कैसा लगा इसका एंड ऑडियो, तो मैंने डे लाइट में, नाइट में एंड मतलब बिना एक्सटर्नल माइक का शूट कर रखा है। तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो, अगर आपको देखना हो तो जाके देख सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए मतलब कैमरा बना है या नहीं, आप लेने आपके फुल नीड को फुलफिल करेगा या नहीं। तो अगर मेरा वीडियो क्वालिटी का बात करें तो मैंने यूज किया है और मेरे को काफी अच्छा लगा, और हालांकि मैंने अभी इंटरनल माइक उसमें लगा के नहीं शूट किया है, फिर भी मुझे ऑडियो काफी अच्छा इसका लगा। तो मेरे तरफ से तो बिग थम्स अप है वीडियो एंड ऑडियो के लिए। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक बार मतलब पूरा फीचर्स एक बार काउंट करवा देता हूँ, और मतलब आप देख लीजिएगा आपके अनुसार कि आपको कौन सा फीचर इसका बेस्ट लगा, और आपको किस फीचर्स के लिए आपको पे करना चाहिए या नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 9,500 का बात है। तो सबसे पहला इसका फीचर्स बोल लो जो कि कंपनी देती है। सबसे पहला फीचर्स मेरे को अच्छा लगा कि आप इसमें एक्सटर्नल माइक ऐड कर सकते हैं, ये चार्जिंग पॉइंट, और इसी में मतलब ये माइक भी यूज होगा जिसका ऐसा पिन रहेगा। तो सबसे पहला फीचर्स इस एक्शन कैमरा का बेस्ट है कि मतलब आप इससे एक्सटर्नल माइक आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे बोले तो जाइलो स्टेबलाइजेशन है, जो कि बहुत ही बेस्ट है इस एक्शन कैमरा का, जो कि वीडियो आपको शेक मतलब नहीं होगा, बबल तो नहीं होगा, स्टेबल वीडियो होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात कर ले तो इसका वाटर प्रूफ, बेसिकली कैमरा वाटर प्रूफ नहीं है, मरे केज कंपनी प्रोवाइड कर सकती है जिसमें आपको जो आप यूज करके आप वाटर प्रूफिंग शूट कर सकते हैं वीडियो। उसके बाद अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो आप ये इसका एक्शन कैमरे को बेसिकली कार डैश कैम की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक आता है कार मोड, जिसको आप यूज करके बेसिकली आप कार डैश कैम की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं फिफ्थ पॉइंट है वीडियो की बात करूं, तो मेरे तरफ से वीडियो में बिग थम्स अप इस कैमरे को, क्योंकि बाकी भी एक्शन कैमरा मैंने देखा है तो बाकी से मुझे अच्छा लगा। और उस सिक्स्थ पॉइंट की बात करूं इसके ऑडियो क्वालिटी, तो अगर आप एक्सटर्नल माइक शुरू में नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, इसका बिना एक्सटर्नल माइक का भी मैंने वीडियो शूट कर रखा है अपने चैनल पे, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद आप जज कीजिए इस कैमरे को कि मतलब कैसा ऑडियो है विदाउट एनी एडिंग एक्सटर्नल माइक।
तो वो मैंने वीडियो शूट किया और मुझे काफी बेहतर रिजल्ट मिला, मतलब ऑडियो काफी अच्छा ही निकला इसका। तो ये गाइस 7 पॉइंट हो गए और आई थिंक इसमें फीचर्स की कमी नहीं है। अगर 8वें पॉइंट की बात करें तो इसमें आ जाता है इसका रेजोल्यूशन, जो कि बेस्ट पार्ट इस कैमरे का। आप इसमें 4K पे शूट कर सकते हैं 1080p और 60 फ्रेम पे भी शूट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे स्लोमो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड स्टिल फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल फोटोग्राफी शूट करने का शौक है तो आप इसे स्टिल फोटो भी ले सकते हैं एंड स्लोमो भी ले सकते हैं, वीडियो लैप्स भी ले सकते हैं। तो आई थिंक काफी फीचर्स है और मैंने ऑलमोस्ट सभी फीचर्स कवर कर दिए हो। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।